नमस्कार दोस्तों, निश्चय टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्कॉर्पियो की पावर विंडो है। इसमें अपन कई बार अपन देखते हैं, ये सिर्फ वीडियो में मैकेनिक दोस्तों के लिए है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो उनको, और अगर रिपेयर करना चाहें तो वो भी रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी, जब पावर विंडो का जो है ये लेफ्ट साइड की है, आगे की स्कॉर्पियो की, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी। कस्टमर कहना है वो ठोकता है, तभी पावर विंडो मशीन चलती थी, मतलब गत्ते को पीटता था तो ये मशीन चलती थी। तो हमने इसको खोल के देख भी लिया और प्रॉब्लम पता लग गई। जनरली प्रॉब्लम वाइज इसे ये होती है कि बुश खराब हो जाते हैं इसके, ये बुश घिस जाते हैं और मोटर चलना कम कर देती है। तो हो इसमें यही रहा था, ये दोनों ऐसा आमने सामने आर्मेचर के टच रहती हैं, जैसे ही वो कस्टमर थोड़ा ठोकता था तो ये टच हो जाता था और मोटर चलने लग जाती थी। तो हमने इसको खोल के रिपेयर भी कर दिया है, बट मैं आपको भी दिखाता हूँ उसमें क्या होता है। तो ये 20 की स्टार रेलिंग की स्टार गोटी लगा के अब ये चारों बोर्ड खोल लेंगे इसके, उसको धीरे से। आराम से बाहर की तरफ खींच लेंगे। इसमें बुश लग रहे हैं, तो दोनों को आर्मेचर को और इसको पूरी बॉडी को आप साथ में लेंगे। तो गाइस ये बुशिंग रहती है जो एक घिस के अंदर ही रह गई थी, तो ये हमने नई बुशिंग डाल दी इसमें और मार्केट में आपको मिल जाएगी, बट ओवरसाइज मिलेगी आपको। इसके बराबर का पेपर लगा के या फाइल लगा के इसके बराबर का बना लेना है, तो मैंने इसके बराबर का बना के ही इसमें डाल दिए। और फिटिंग करने का प्रोसेस ये रहेगा, तो जनरली दोस्तों इसमें ये बुशिंग ही ख़त्म हो जाती है, आप भी समझ गए होंगे कि जनरली इसकी बुशिंग कर दी जाती है जिससे मोटर काम करना बंद कर देती है। अब इसका लॉक है ये, तो बाहर आपको निकाल के ऊपर कर देना है, ये ऊपर कर दिया, बोला तो आर्मेचर लगा लेंगे। तो इसके बाद मैंने जो बताया इसको, तो बुशों को लोड से हटाना है, और ये पीछे की तरफ हो जाएंगे। इसको बैठा लेंगे, अभी पूरा बैठ चुका है, अब उसको स्प्रिंग को हम फिक्स कर देंगे इस पर। अभी लोड पे आ गए हैं बुश, अभी बस को हम चला के देख लेंगे, तो ये आराम से इजीली चल रहा है। अब इसको इसमें फिट कर देंगे, उसमें बैठा देंगे। कपलिंग वाला हिस्सा ध्यान रखें किधर से आएगा, इसको थोड़ा ठोक लें सब साइड से। अब ये दोबारा हम बोल्ट लगा लेते हैं,
और ये बात बता दूँ, ये पावर विंडो तो वैसे स्कॉर्पियो भी है, लेकिन सभी ब्रांडों में ऐसा ही सिस्टम आता है, केबल वाला सिस्टम रहता है, मोटर ऐसी रहती है और टेक्नोलॉजी भी ऐसी रहती है, तो उसमें भी ये होता है कि बुशिंग पहले ख़राब हो जाती है, पूरा कंफर्म करने के बाद ही मैंने मोटर खोली है। सप्लाई मैंने देख ली थी, प्रॉपर सप्लाई आ रही थी, इसमें अप डाउन दोनों में आ रही थी, उसके बाद मैंने इसको खोलने का डिसीजन लिया। तो चलिए इसको फिट करके आपको चेक करा देता हूँ। ध्यान रखें गलत बैठे कि नहीं है कपलिंग, उल्टा बैठे कि नहीं, तो डरे नहीं। अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये लग चुकी है पावर विंडो, और यहाँ से हम इसको दबाते हैं, ये वाला बटन इसका आगे का लेफ्ट साइड का, और ये देखिए फिट करते टाइम इसमें हल्का ग्रीस व्रीस लगा देंगे, क्योंकि अभी बहुत जाम हो रही है। लेकिन आपने देख लिया मोटर रिपेयर हो सकती है, और हमने बहुत सस्ते में इसको रिपेयर कर ली। नई मोटर लाते तो आई थिंक 1500 की मोटर लगती, मशीन सही थी, तो मैंने इस पर पहले सप्लाई चेक कर ली थी, तब जाके मैंने मोटर को खोला है। तो ध्यान देने वाली चीज़ है ये कि कई बार स्विच से ही प्रॉब्लम होती है, तो उस चक्कर उसके लिए आप पहले यहीं चेक कर लें। यहाँ मैंने दोनों बल्ब लगा के और पावर विंडो स्विच को अप डाउन करके दोनों तरफ सप्लाई देख ली, तो ये दोनों तरफ सप्लाई दे रहा था, इसलिए उसके बाद ही मैंने मोटर खोलने का डिसीजन लिया है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने मित्रों को भी पता लगे। तो थैंक यू वेरी मच।